Hey guys, welcome back to our channel. दोस्तों आज हम इस वीडियो में Nokia 7 Plus और Oppo की F7 को कंपेयर करेंगे स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग के ऊपर. दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन में प्राइसिंग के हिसाब से बेस्ट फीचर प्रोवाइड करता है, बेस्ट कैमरा प्रोवाइड करता है, इसके बारे में बात करेंगे. तो दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपको भी थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाएगा दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोनों का बेस्ट चॉइस आपके लिए. तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए टेक 42 चैनल को, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए. तो चलिए दोस्तों देखते रहिए मेरे साथ कंपैरिजन बिटवीन द Nokia 7 Plus वर्सेस Oppo F7. गाइस नोकिया की 7 प्लस और ओप्पो की F7 की लुक्स, डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करेंगे. तो नोकिया 7 प्लस में 6000 सीरीज एल्युमिनियम बॉडी डिजाइन देखने को मिलेगा, बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप, फिंगरप्रिंट सेंसर, एलईडी फ्लैशलाइट, और फ्रंट में आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो की कॉर्नियन गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जो होगा एक बेजललेस डिस्प्ले के साथ नोकिया 7 प्लस देखने को मिल जाएगा. जहां तक बात की जाए ओप्पो की F7 की, तो यहां पे मिलेगा फ्रंट एंड बैक साइड में ग्लास बॉडी डिजाइन, बैक साइड में आपको सिंगल कैमरा मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर और यहाँ पे एलईडी फ्लैशलाइट. फ्रंट में आपको 19:9 एस्पेक्ट रेशियो की आईफोन एक्स लाइक नॉच स्टाइल की डिस्प्ले मिलेगा, जो काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी गुड लुकिंग बनाता है ओप्पो की F7 को. और डिज़ाइन और लुक्स के मामले में ओप्पो की F7 नोकिया 7 प्लस से बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही गुड लुकिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको ग्लास बॉडी डिज़ाइन मिलता है और इसमें आपको जो डिस्प्ले की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा 90% देखने को मिल जाएगा. तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट स्क्रीन मिल जाएगा ओप्पो की F7 में. और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से नोकिया की 7 प्लस होगा बेस्ट चॉइस, जहाँ पे आपको एल्युमिनियम 6000 सीरीज का एल्युमिनियम बॉडी देखने को मिलेगा नोकिया 7 प्लस में. और दोनों स्मार्टफोन की अगर डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे, तो नोकिया 7 प्लस में आपको डिस्प्ले मिलता है 6 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा 77%. ओप्पो की F7 में डिस्प्ले मिलता है 6.2 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले 19:9 एस्पेक्ट रेशियो की, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा 90%. इसमें आपको आईफोन एक्स लाइक नॉच मिलता है, जो होगा आईफोन से काफ़ी छोटा और ये दिखने में भी बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही गुड लुकिंग होगा ओप्पो की F7. और गाइस दोनों स्मार्टफोन की चिपसेट के बारे में बात करेंगे, तो नोकिया 7 प्लस में स्नैपड्रैगन की 660 चिपसेट मिलता है एड्रीनो 512 के साथ, और यहाँ पे 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगा नोकिया 7 प्लस में. और जहाँ तक बात की जाए ओप्पो की F7 की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मीडियाटेक की हीलियो P60 चिपसेट, और इसमें आपको GPU मिलेगा माली G72 MP3 का, और यहाँ पे आपको 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगा, और एक वेरिएंट मिलेगा जिसमें आपको 6GB की रैम और 128GB का इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाएगा ओप्पो की F7 में. तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर के हिसाब से भी ओप्पो की F7 काफ़ी बढ़िया होगा नोकिया 7 प्लस से, और ये बेंचमार्क के हिसाब से भी ओप्पो की F7 काफ़ी बढ़िया होगा नोकिया 7 प्लस की स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट से. और यहाँ पे इंटरनल मेमोरी और रैम का भी वेरिएंट मिल जाता है नोकिया 7 प्लस से बेहतरीन. और गाइस दोनों स्मार्टफोन की कैमरास के बारे में बात करेंगे, तो नोकिया 7 प्लस में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 12 मेगापिक्सल का F1.8 के साथ, सेकेंडरी 2x ऑप्टिकल जूम के लिए फ्रंट फेसिंग कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिखने को मिल जाएगा नोकिया 7 प्लस में. ओप्पो की F7 में आपको सिंगल कैमरा मिलेगा 16 मेगापिक्सल का F1.8 बैक साइड में, और फ्रंट फेसिंग कैमरा AI पावर ओप्पो की 25 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा, जो काफ़ी बेहतरीन होगा नोकिया 7 प्लस से फ्रंट कैमरा के हिसाब से. लेकिन यहाँ पे नोकिया 7 प्लस में बैक साइड में काफ़ी बेहतरीन कैमरा मिलता है, 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी बढ़िया होगा ओप्पो की F7 से. और गाइस अगर बात की जाए दोनों फोन्स की बैटरी की, तो नोकिया 7 प्लस में 3800mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलता है, ओप्पो की F7 में 3400mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलेगा. दोनों स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा. दोनों स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड की ऑडियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के साथ नोकिया 7 प्लस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ओप्पो की F7 मिलेगा आपको कलर OS 5.0, जो ओप्पो का अपना खुद का UI होगा. और इन दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर, ओप्पो की F7 में मिलेगा आपको फेस ID प्लस फिंगरप्रिंट सेंसर की सिक्योरिटी, और नोकिया की 7 प्लस में शायद से आपको अपडेट मिलने में फेस ID की सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगा शायद से. तो दोस्तों यही थी दोनों स्मार्टफोन के बारे में. मेरे हिसाब से लुक्स और डिज़ाइन के मामले में ओप्पो की F7 बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही प्रीमियम है ग्लास बॉडी डिज़ाइन के साथ, और नोकिया की 7 प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा
बहुत ही बेहतरीन कैमरा, डुअल कैमरा सेटअप के साथ और बहुत ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ, क्योंकि इसमें आपको एल्युमिनियम बॉडी मिलता है 6000 सीरीज का। और गाइस ओप्पो की F7 में आपको चिपसेट ज़्यादा अच्छा मिलता है नोकिया 7 प्लस से। तो दोस्तों यही थी दोनों स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए टेक 42 चैनल को, और कमेंट करके बोलिए अपना थॉट, अपना ओपिनियन, कौन सा स्मार्टफोन होगा आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस, नोकिया 7 प्लस या ओप्पो की F7। तो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।